नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। बख्तियारपुर नगर क्षेत्र स्थित रवाइस पोखर पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण हो जाने के बाद बख्तियारपुर नगर क्षेत्र से निकलने वाली गंदे पानी जो किसी न किसी रूप में गंगे में समाहित हो रही है उसे पाइप के जरिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा और उस गंदे पानी को साफ कर कृषि योग्य बनाया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे वार्ड SDM सुमित कुमार ने बताया कि इसी साल दिसंबर महीने में इस प्लांट को तैयार कर सुपुर्द करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में इस प्लांट को तैयार कर सुपुर्द कर दी जाएगी। बेगूसराय लाइव के लिए बख्तियारपुर से उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये बख्तियारपुर नगर परिषद का एक बहुत दिनों से एक लंबित परियोजना थी, जिसने हम लोगों ने प्रयास करके इसको शुरुआत करवाया है। यह एक्चुअली नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी घरों से पानियाँ निकलती है और वो देखा जाता है कि वो सारी पानी गंगा नदी की तरफ प्रवाहित होती है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है ये लोग करेंगे। जितने भी घरों से पानियाँ निकलती हैं गंगा की तरफ जाती है, उस पानी को ट्रैप करेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े पाइप से लाएंगे, उसका सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद उस पानी को खेती कार्य के लिए, उसका उपयोग के लिए छोड़ेंगे। इसका मेन उद्देश्य है, इसका इस परियोजना का निर्माण का लक्ष्य 3 दिसंबर 2021 रखा गया है। अभी हमारी एजेंसी से बात हो रही थी, इन्होंने कहा है कि सर मैं इस परियोजना को अगस्त महीने तक, इसी वर्ष अगस्त महीने तक इसको पूरा कर दूंगा, और पूरा ही नहीं करूंगा बल्कि मैं बख्तियारपुर नगर परिषद के लिए इसको फंक्शनल कर दूंगा और आम जनता के लिए इसको समर्पित कर दूंगा। थैंक यू। इसका निर्माण का कार्य जो है वो बुडको के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है।